हेलो एवरीवन, सो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एज द नेम सजेस्ट, हम हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मेनली हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट, हार्ट के बाद ब्लड वेसल्स। ओके, हार्ट पम्प्स द ब्लड इन टू द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड वेसल सप्लाइज द ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी। हार्ट हमारा ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर डालता है और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ब्लड प्रोवाइड करती हैं पूरी बॉडी में। ब्लड के ज़रिए से वो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रही होती हैं, उनमें से मेन है हमारा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, इनके साथ साथ वो एक और काम करती हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे वो वापस लेके जा रही होती हैं। ब्लड वेसल्स जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं उसे वापस लेके जा रही होती हैं, फिल्टर करती हैं। ठीक है, सो अब हम डिटेल में बात करेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें से पहले ये दो रहे और फिर ये दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड डिफाइन करेंगे। एक बीच की लाइन है, मीडियन लाइन समझ लीजिए आप, ये बीच की लाइन है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है। सबसे पहले आता है राइट, हम हमेशा राइट को प्रेफरेंस देते हैं। कोई भी चीज़ अगर सही होती है तो उसे प्रेफरेंस देते हैं। तो हियर कम्स द राइट साइड R एंड देन कम्स द लेफ्ट L। ठीक है, तो राइट में सबसे पहले A आता है या V आता है? ऑब्वियस है, अल्फाबेटिकली A पहले आता है। तो A इज फॉर आर्ट्रिया एंड देन कम्स V, तो V इज फॉर वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो अब ये राइट साइड का था, तो ये हो गया क्या? राइट आर्ट्रिया। ये क्या था? राइट साइड का क्या है? वेंट्रिकल है। तो ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड का आर्ट्रिया क्या हुआ? लेफ्ट आर्ट्रिया। लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल क्या हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ब्लड वेसल्स का, यानी कि वेन्स और आर्टरीज का। ठीक है, तो सबसे पहले ये अप साइड से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो ये ऑब्वियसली सुपीरियर हुई। ठीक है, और मेन जो होती है ये वेना कैवा होती है। ठीक है, वेना कैवा, तो दिस इज सुपीरियर वेना कैवा। देन इट कम्स फ्रॉम बिलो, ये नीचे से आ रही है। ठीक है, इसे इस साइड का साइन दे देते हैं, इसे इस साइड का साइन दे देते हैं, तो ये होगी इन्फीरियर वेना कैवा। ओके, देन ये इस चैम्बर में, किस चैम्बर में खुल रही है ये भी देखना ज़रूरी है। सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा ब्लू मार्क से मार्क है, इसका मतलब कि ये इम्प्योर ब्लड ला रही हैं। ठीक है, यानी वीनस ब्लड ला रही हैं, और ये सारा अपना आउटलेट डालती हैं किस में? राइट एट्रियम में। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा, बोथ ऑफ देम ओपन्स इनटू द राइट ऑरिकल या राइट एट्रिया। जब इम्प्योर ब्लड आ गया तो अब हम बात करेंगे प्योर ब्लड। प्योर ब्लड जाएगा कहाँ से? तो प्योर ब्लड इस वाले वेसल के ज़रिए जाता है। तो ऑब्वियसली प्योर ब्लड ले जाने वाले को रेड कलर से मार्क करेंगे, तो ये हो गया हमारा रेड। ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है। ओके, ये साइन है, और इसको हम बोलते हैं, इस वाली आर्टरी को हम कहते हैं ओटा। ठीक है, ओटा, और ये जो आर्च बनती है इसको आर्च ऑफ ओटा कहते हैं। दैट डजंट मैटर्स मच, अभी बस हमें इतना जाना है कि इसे हम ओटा कहते हैं। ठीक है, ओटा की थ्री ब्रांचेस होती हैं, वो फर्दर एनाटमी में ही देखेंगे हम। फिलहाल अभी बस हमें इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जानना है, सो दैट वी कैन गो फर्दर फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ओटा क्या करेगी? सारा प्योर ब्लड जो है वो बॉडी के हर एक पार्ट को पहुँचाएगी। और इम्प्योर ब्लड कौन ला रहा था? सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, ये दोनों आउटलेट किस चैम्बर में खुल रहा था? राइट एट्रियम में। और ओटा आपको दिख रहा है किससे निकल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब जबकि हमें पता है कि जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से राइट ऑरिकल में आ गया या राइट एट्रियम में आ गया, तो ऑब्वियस की बात है कि ये जो चैम्बर है ये खुलेगा अपने नीचे वाले चैम्बर में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल से जो बाहर निकलती हुई ये ब्लड वेसल दिख रही हैं, ये ऑब्वियसली इम्प्योर ब्लड कैरी करेंगी, तो इन्हें ब्लू कलर से मार्क कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ऐसे तो हम जानते हैं कि जितनी भी प्योर ब्लड जो कैरी करती हैं उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, और जो इम्प्योर ब्लड करती हैं कैरी करती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी होता है।
ठीक है, नेम भले ही इसका आर्टरी है पर ये क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड ही कैरी कर रही है। और ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पे लेके जाती है, ये रफली एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लंग्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्प्योर ब्लड होता है ये जाता है हमारा लंग्स में, ठीक है, किस लिए, क्योंकि ऑब्वियसली लंग्स में ये प्योरीफाई होंगे, यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ये होगा वो सारा रिमूव आउट होगा, और जो एल्वियोलाइज हैं उनके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर के ऑक्सीजन अंदर आएगा, तो वो प्योर ब्लड होगा, ठीक है। तो प्योर ब्लड अब किसके ज़रिए आएगा, यहाँ से ये, ठीक है, क्योंकि ये प्योर ब्लड ला रही हैं तो इनका हम कलर करेंगे रेड। लेकिन ट्विस्ट यहाँ भी है, इनको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, बस यही तो एक्सेप्शन है, अदरवाइज बाकी ऑलमोस्ट सारा सेम है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, पल्मोनरी वेन हो गया, वेन किस में ओपन हो रहा है, दिख रहा है लेफ्ट आर्टरी में, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट आर्टरी में खुलेंगे सारा ये प्योर ब्लड, तो प्योर ब्लड ऑब्वियस है यहाँ से ये नीचे अपने चैम्बर में खुलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो प्योर ब्लड है ये ओटा के ज़रिए जाएगा। अभी तो बस जस्ट एक वो था कि क्या क्या नेमिंग थी इनकी, वो हो गया, ठीक है। अब बाद में इनके कस्पेड और वो सब पढ़ेंगे, एक बार पहले ना स्टार्टिंग से एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रो कर लेते हैं। यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, और इन्फीरियर वेना कैवा से, दोनों जगह से किस में खोले, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में अपना प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड किस में डाला, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड किस में गया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स ने ब्लड को प्योरीफाई किया, फिर वो रेड कलर की हो गई, और वो जो ब्लड है वो यहाँ पल्मोनरी वेंस में आई, पल्मोनरी वेंस किस में खुले, लेफ्ट आर्टरीम में, लेफ्ट आर्टरीम ने अपना ब्लड किस में डाला, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपना ब्लड किस से दिया, यहाँ से ओटा के ज़रिए से ये पूरी बॉडी में सप्लाई होगा प्योर ब्लड, ओके, दैट्स इट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में एज सच कोई कनेक्शन नहीं होते, इनमें वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन वेल्व्स के भी नेम होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर कोई वेल्व आर्ट्रिया या फिर वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, ए और बी के बीच में प्रेजेंट है, तो उन्हें हम ए वी वेल्व कहेंगे। तो यानी ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच ये वाला वेल्व ए वी वेल्व है, और इस तरफ का एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच जो वेल्व है इसे भी ए वी वेल्व कहेंगे, दोनों भी हमारे ए वी वेल्व हो गए, ठीक है। तो वैसे तो इन्हें ए वी वेल्व इन जनरल कहते हैं, पर स्पेसिफिकली इनका भी नेम होता है, ठीक है। और इन जो वेल्व, ये जो वेल्व्स होते हैं, जो ये दोनों बचे, इन दोनों को सेमी लूनर वेल्व्स कहते हैं, क्योंकि ये आधे चांद की तरह दिखते हैं, तो इन्हें सेमी लूनर वेल्व्स कहते हैं। तो पहले इस वाले वेल्व का नाम क्या होगा, इसका नाम, देखो वेल्व्स जो होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है ट्राइकस्पिड और एक का होता है बाइकस्पिड। ट्राई बड़ा है या बाई, ऑब्वियसली ट्राई बड़ा है तो राइट के साइड आएगा, पहले आएगा, तो इस तरफ आएगा। इसको हम इस तरीके से अगर डायग्राम में दिखाएं, अगर ट्राइकस्पिड, तो इस वेल्व को ऐसे दिखा सकते हैं, एक वेल्व कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये तीन लग गए ना, तो यहाँ पर ये हो गया ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। फिर इस तरफ का ये जो वेल्व है, ये हो गया, दूसरा कौन सा बचा, बाइकस्पिड, तो बाइकस्पिड वेल्व इस तरीके से दिखा दिया हम लोगों ने इसे, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व, इन दोनों वेल्व्स का तो नॉमनक्लेचर कर लिया हम लोगों ने। अब बचे कौन से वेल्व्स हैं, बचे हैं हमारे ये वेल्व्स, एक तो ये वेल्व बचता है और एक ये वेल्व बचता है। तो पहले हमें ये जानना है कि इसका नाम क्या है, इस वेन का नाम, यानी ये जो ब्लड इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही थी, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यही एक एक्सेप्शन है, इम्प्योर ब्लड करने के कैरी करने के बावजूद इसका नाम हमने आर्टरी रखा है, मतलब इसका नाम आर्टरी पड़ा है, ठीक है, नॉमनक्लेचर के ज़रिए। तो इसका नाम से ही इसका वेल्व बनेगा, पल्मोनरी है तो इसका मतलब इसका जो वेल्व बनेगा वो बनेगा पल्मोनरी वेल्व। इस वेल्व को हम लोगों ने पल्मोनरी वेल्व कह रहे हैं, इसका नाम यहाँ मेंशन कर देती हूँ,
ओके, ये पल्मोनरी वैल्व है। तो अब तो ऑब्वियस है कि ये ओटा है, तो ओटा के साइड जो वैल्व बनेगा वो होगा ओटिक वैल्व। तो अब हमने पढ़ लिया है इसके जितने भी हम लोगों ने चेंबर्स थे वो पढ़ लिया, इसकी एनाटॉमी पढ़ ली। अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि दोनों आर्ट्रिया के बीच के मतलब दो आर्ट्रिया हैं, तो आर्ट्रिया के बीच के सेप्टम को कहेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, यानी राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच का जो सेप्टम होगा ना उसे आर्ट्रिया सेप्टम कहेंगे, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होगा वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। ठीक है, इट्स जस्ट सिंपल एज इट इज़। अब हमें इतना पता चल गया, हार्ट की ये तो हमें पता ही है, थ्री लेयर्स होती हैं, ठीक है, आउटर इनर मिडल, तीन होती हैं। सबसे पहले आउटर जो होती है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, फिर इनर मायोकार्डियम, फिर जो मोस्ट इनर होती हैं वो एंडोकार्डियम, ठीक है। फिर उसके बाद जो पेरिकार्डियम होती है ना वो अगेन डिवाइडेड होती है दो लेयर्स में, पैराइटल और विसरल। जैसे हमारा लंग होता है, लंग के जो लेयर्स होते हैं वो दो होते हैं, पैराइटल और विसरल, उसी तरीके से हार्ट की भी पेरिकार्डियम के दो लेयर्स होते हैं, पैराइटल और विसरल। और जो पैराइटल और विसरल है उनमें से जो पैराइटल होता है वो फर्दर डिवाइड होता है दो लेयर्स में, एक होता है फाइब्रस और एक होता है सीरस। ये फाइब्रस लेयर होती है, ये सीरस लेयर होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम में क्या होता है, जो पेरिकार्डियम होता है ना ये बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव सैक बनाता है, ठीक है, हार्ट का, जो हार्ट को अपनी जितनी भी मीडियास्टम के स्ट्रक्चर से, जो मीडियास्टम है ना उसे वो बांध के रखता है, ठीक है, ताकि हार्ट अपनी प्लेस पे रहे, ठीक है। फिर उसमें आता है फाइब्रस और सीरस, दो लेयर हो गई। फाइब्रस जो होता है ये बस एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ऑब्वियसली ये कनेक्टिव टिश्यू है तो ये उसे कनेक्ट करके रख रहा है बाकी पार्ट से। और जो सीरस लेयर है ये बना होता है मेसोथेलियम से, ठीक है। तो मेसोथेलियम क्या करती है, मेसोथेलियम में भी स्क्वैमस सेल से बना होता है, तो ये बस क्या कर रही होती है ना, ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट कर रही होती है, जो कम से कम 25 to 35 ml की फ्लूइड होती है। और ये फ्लूइड क्या करती है, जो फ्रिक्शन होता है यानी कि जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और जो रिलैक्स हो रहा होता है, तो वो हार्ट में, हार्ट के जो वेस लेयर्स हैं उनमें फ्रिक्शन पैदा ना हो, वो एक दूसरे से टकराएं ना, तो उसके लिए ये फ्लूइड प्रेजेंट होती है जिससे हार्ट का जो मूवमेंट है वो इजीली मतलब कैरी ऑन हो सके, ठीक है। ऐसे ही हम अपने लंग्स में भी देखते हैं, पैराइटल और विसरल लेयर्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सो दैट जो लंग एक्सपैंड होती है यानी फूलती है और वापस डीफ्लेट होती है, तो फ्रिक्शन ना हो उनके लेयर्स में, इसलिए ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इनर विसरल लेयर। विसरल लेयर जो होता है ये बस एपिथेलियल लेयर से, एपिथेलियल सेल से बनी होती है, एपिथेलियल सेल से बनी होती है, ओके। ठीक है, देन कम्स मायोकार्डियम। मायोकार्डियम से नाम से पता चल रहा है, देखिए हार्ट के मसल्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो हार्ट का मसल्स होती है ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, ये तो हमें भी पता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बस हार्ट के पंपिंग एक्शन के लिए हेल्प होते हैं, तो ये हार्ट के पंपिंग एक्शन के लिए। देन कम्स एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियल के सिंगल लेयर सेल, मतलब सिंगल सेल लेयर होती है, एंडोथेलियल की सेल्स की सिंगल सेल लेयर होती है जो कि कंटिन्यू होती है ब्लड वेसल्स के साथ। ओके, अब बात करते हैं हार्ट की वेल्व्स की। तो वेल्व्स मैंने आपको बताई है, जो वेल्व एट्रियल वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है उन्हें एट्रियल वेंट्रिकल वेल्व कहेंगे, ठीक है। तो ये एट्रियल वेंट्रिकल वेल्व होगा, ये भी एट्रियल वेंट्रिकल वेल्व हो गया, लेकिन इनके भी स्पेशलाइज्ड नेम होते हैं। ट्राई पहले आएगा, तो ट्राइकस्पिड वेल्व राइट साइड में, देन कम्स बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में, ठीक है। और फिर उसके बाद इस आर्टरी का क्या नाम था, पल्मोनरी आर्टरी, तो इसका वेल्व इसके नेम से बन रहा है, तो पल्मोनरी वेल्व ये हो गया। फिर ये था ओटा, तो ओटा को ये चैम्बर को ये कंट्रोल करने वाला ये वेल्व है, ओटिक वेल्व। ये वेल्व्स क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑब्वियस है अगर वेल्व्स नहीं होंगी तो ब्लड का इनफ्लो आउटफ्लो कौन रोकेगा। अगर ब्लड का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं रुकेगा तो सारा भी इम्प्योर प्योर सब मिक्स हो जाएगा, सब मतलब वेस्ट हो जाएगा, तो
बॉडी को एक सिस्टमाइज्ड वे में चलाना है तो उसके लिए ये वेल्व्स भी ज़रूरी है। जैसे हमारे घर के मोटर सिस्टम होते हैं तो उनके वेल्व ओपन करने होते हैं ना, जैसे उनके चैनल्स खोलने पड़ते हैं पानी ऊपर चढ़ाने के लिए और बंद करने के लिए, तो हर एक का सिस्टम होता है। इसी तरीके से हार्ट में भी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और इनको ये कंट्रोल करने के लिए ये वेल्व्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वो ये होता है कि आर्टेरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम, दो सिस्टम आते हैं। ठीक है, तो आर्टेरियल सिस्टम देखो कैसे चलता है। सबसे पहले आता है ओटा। ठीक है, ओटा इज़ द बिगेस्ट वन, जो सबसे बड़ा था ये वाला, ये सारा प्योर ब्लड लेके जाता है, पूरे बॉडी में प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले ओटा आता था, बिगेस्ट वन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टरीज। ठीक है, ओटा, ओटा के बाद आर्टरीज, आर्टरीज के बाद टर्मिनल आर्ट्रियोल्स। ठीक है, टर्मिनल मतलब लास्ट को बोलते हैं आर्टरियोल्स, लेकिन ये लास्ट नहीं है, लास्ट में इनके बाद आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे माइन्यूटेस्ट होती हैं। ठीक है, बहुत बारीक होती है, बहुत मीन होती है। तो ओटा का अगर हम साइज़ बोले तो होता है अप्रॉक्सीमेटली 25 mm इसका डायमीटर होता है ओटा का। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आर्टरीज़ की, तो आर्टरीज़ की होती है 4 mm। ठीक है, फिर टर्मिनल आर्टरीज़ की बात करें तो इनकी होती है 10 micron। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 micron होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कैपिलरीज़ की, तो कैपिलरीज़ का जो साइज़ होता है उनसे भी ज़्यादा छोटा होता है, 8 microns होता है। ठीक है, ये हमने आर्टरीज़ मतलब आर्टेरियल सिस्टम पढ़ लिया। उसके बाद आता है वेन्यूल सिस्टम या फिर वीनस सिस्टम। लेकिन पहले हमें ये देखना है कि जो आर्टरीज है उनका साइन मैंने इस तरफ इसलिए बनाया है क्योंकि ये ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं बॉडी को, लेके जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से वेन्यूल्स का स्टार्ट हुआ, ये अपोजिट साइड में जाएगा क्योंकि ये जो है ब्लड लेके जा रही हैं वापस बॉडी से, कहाँ, हार्ट की तरफ, तो ये वापस के साइन बन रहा है। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इसकी, छोटी यूनिट, वो है वेन्यूल। ठीक है, जो वेन्यूल से आता है फिर वेन्स, और फिर वेन्स से आता है वेना कैवा। वेना कैवा ये इंफीरियर वेना कैवा और ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा, ये इंफीरियर वेना कैवा और ये सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, तो वेन्यूल्स का साइज़ कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 20 micron, वेन्स का साइज़ 5 mm, वेना कैवा का 30 mm। ये सब ये डायमीटर है इनके। ठीक है, ये यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि कैपिलरीज और वेन्यूल्स में कनेक्शंस बनते हैं। ठीक है, बहुत मतलब कैपिलरीज एंड है, एंड पार्ट है आर्टरीज की, और जो वेन्यूल है ये वेन के एंड पार्ट है, तो इन दोनों के बीच कनेक्शंस बनते हैं। ठीक है, इसीलिए ये दोनों सबमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, अब जो है सिंपली हम ये बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी या अप्लाइड पैथोलॉजी ऑफ दिस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मेनली हम ओटा की बात करें या आर्टरीज की बात करें, ओटा इज़ रेफरेंस ऑब्वियसली आर्टरीज की बात हो रही है, तो इनमें दो प्रॉब्लम होती है। एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, और एक होता है एथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, स्क्लेरोसिस का मतलब तो हार्डनिंग होता है। ठीक है, आर्टीरियो का मतलब आर्टरीज, आर्टरीज का अगर हार्डनिंग हो जाए तो हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करेंगे, तो इसका मतलब ये डिजीज़ खुद आर्टरीज की है। और एथ्रोस्क्लेरोसिस, यहाँ भी स्क्लेरोसिस का मतलब हार्डनिंग है यहाँ, लेकिन एथ्रो का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे जो है ना ल्यूमेन, यानी कि ये अगर आर्टरीज हैं तो ये ल्यूमेन होता है। ठीक है, जहाँ से ब्लड पास हो रहा होता है ये ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्लैक्स का फॉर्मेशन होगा। ये क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया तो ऑब्वियसली ल्यूमेन नैरो हो गया, तो ब्लड यहाँ और फोर्स से जाएगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन हो जाएगी, और अगर इनके वजह से अगर ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाएंगी तो फिर हम आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने ओटा की बात कर ली। ठीक है, और अगर हम बात करें कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज की क्या हो सकती है,
कैपिलरीज तो ऑब्वियस है, कैपिलरीज में अगर किसी भी वजह से कैपिलरी परमीबिलिटी बढ़ गई तो लीकेज होना शुरू हो जाएगा। लीकेज क्या होगा, फ्लूइड लीक होगा और उनके साथ साथ प्रोटीन और जितने भी अदर सब्सटेंसेस होते हैं वो लीक आउट होने शुरू हो जाएंगे और इडीमा का कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, ये अदर बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कैपिलरी परमीबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। वो हम नेक्स्ट अप्लाइड फिजियोलॉजी या अप्लाइड पैथोलॉजी की बात करेंगे, यहाँ तो बस एक जस्ट इंट्रो चल रहा है सीवीएस के साथ कि क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं। ओटा की पता चल गया, आर्थरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कैपिलरीज में कैपिलरी परमीबिलिटी इंक्रीज़ हो जाना। ठीक है, परमीएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में आएगा वेंस। वेंस की क्या डिजीज़ हो सकती है, वेंस में मेनली दो ही चीज़ होते हैं, पहला होता है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस तो जो प्रोडक्ट होता है थ्रोम्बोसिस के ज़रिए जो बनता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी क्लॉट जो होता है ना, मान लो ये वेसल है, यहाँ एक क्लॉट डिपॉजिट होना शुरू हो गया, क्लॉट डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो ये क्या कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है इस वेसल को, तो ये थ्रोम्बस। ठीक है, और दूसरा होता है एम्बोलस। थ्रोम्बस ही एम्बोलस बनता है, एम्बोलस बस ये क्या होता है कि अगर ये जो क्लॉट है ये डिटैच हो गया यहाँ से, ये यहाँ से अगर कट गया, ठीक है, तो ये फ्री घूमने लग जाएगा बॉडी में, वेसल्स में फ्री घूमने लग जाएगा और जहाँ भी नैरो पार्ट आएगा वेसल्स का वहाँ जाकर ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा और वहाँ की ब्लड सप्लाई ख़त्म कर देगा, तो गैंग्रीन, इशीमिया और मतलब कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली हाइपोक्सीमिया, फिर इशीमिया और फिर गैंग्रीन और ये सब हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये वेंस की डिजीज़ की वजह से हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो था। उसके पहले हम लोगों ने सबसे पहले इसमें बात किया इसके स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने सारे चेंबर्स, उनके आने वाले जितने वेसल्स हैं और जितने वेल्व्स हैं वो किए, फिर उसके बाद हार्ट के लेयर्स की बात की हम लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टेरियल सिस्टम, फिर वीनस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा। आर्टेरियल और वीनस सिस्टम के बाद हम लोगों ने अप्लाइड पैथोलॉजी पढ़ी इनकी। ठीक है, कि ओटा में क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, कैपिलरीज में क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं और वेंस में क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो होगा एक्शन पोटेंशियल कार्डिक मसल्स का।